हेलो बच्चों, तो मैंने आपके नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर तक कवर कर लिया था। अब मैं आपको फोर्थ डिटरमिनेंट बताने जा रही हूँ। एक बार यहाँ तक देख लीजिए, हमने पीएक्स कवर कर लिया, पीआर वाई कवर कर लिया। अब हमारा बाकी है टीई एंड ओ। टी क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा टी, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बच्चों देखो क्या होता है कि ये हमारा बताता है कि अगर हमारा टेस्ट फेवरेबल होता है किसी भी चीज को लेके, तो हमारे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। और अगर आपका अनफेवरेबल टेस्ट है, आपको अच्छा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम लगी, तो हमारी डिमांड जो होती है वो गिर जाती है। इनफैक्ट हम आगे भी क्या करते हैं, बताते हैं कि नहीं, प्लीज डोंट कंज्यूम दिस, इसमें प्रॉब्लम है। तो अनफेवरेबल हो गया ना, तो फेवरेबल है तो हम 10 लोगों को और बताएंगे कि इसको ही कंज्यूम कीजिए, ये बहुत अच्छा है। अनफेवरेबल होगा तो हम कहेंगे कि मत करिए। ऐसे ही अगर दूसरा पॉइंट, कोई पर्टिकुलर चीज ट्रेंड में है, कोई पर्टिकुलर चीज फैशन में है, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। कोई आउट ऑफ फैशन होगी चीज, तो उसकी डिमांड क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है। देन आता है कस्टम्स, कस्टम्स में है, कोई ट्रेडिशन है, तो उसकी पर्टिकुलर चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हो, क्या लोहड़ी पे क्या होता है, पॉपकॉर्न की, पीनट्स की डिमांड बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज ये पंजाबियों का एक फेस्टिवल है जो आपकी जो मनाया जाता है। देन आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अभी का प्राइस तो सेम है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, याद होना चाहिए आपको ये चीज कि अभी का प्राइस सेम है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ना है। अभी की डिमांड बढ़ जाती है, फ्यूचर में प्राइस गिरना है, अभी की डिमांड कम हो जाती है, गिर जाती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पेट्रोल का। अब हुआ क्या, अभी का प्राइस चल रहा था 70 रुपीज, ठीक है, कल प्राइस होना है उसका 72। अभी हम क्या करेंगे, जाकर खड़े हो जाएंगे पेट्रोल पंप के बाहर, भैया भर दे पूरी टंकी भर दे। क्यों भैया, 2 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, बट लोग करते हैं ऐसा। तो अभी के प्राइस पे ही, कॉन्स्टेंट प्राइस पे भी डिमांड बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर फ्यूचर में प्राइस गिरना है तो अभी की डिमांड गिर जाती है। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में तीन चीजें आती हैं, ऑल दो आपकी कई बुक्स के अंदर, कई बुक्स में, सभी में नहीं, 2 फैक्टर्स दिए हैं, बट वी आर गोइंग टू डू 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है इसके अंदर, दैट इज पॉपुलेशन। दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और तीसरा है इसके अंदर, थर्ड वन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों आपको फिर से बता रही हूं, हमें हर केस में देखना क्या है, हमें हर केस में अपने प्रोडक्ट की डिमांड ही देखनी है। तो पॉपुलेशन वाला केस देखते हैं, तो लोग ज्यादा, डिमांड ज्यादा, लोग कम, डिमांड कम। तो पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, जनरल सी बात है, और पॉपुलेशन अगर कम होगी तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होती है। दैट्स इट, इसमें इतना ही है। देन कॉम्पोजिशन, ये कहता है कि भैया पॉपुलेशन में जिस टाइप के लोग हैं ना, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड राइज हो जाती है। लाइक अगर बच्चे ज्यादा हैं तो वो टॉफी चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, सॉरी ओल्ड एज ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो उनसे रिलेटेड है उनकी डिमांड करते हैं। और अगर यंगस्टर्स ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, फैशनेबल क्लोज, मोबाइल फोन, इन सब के गैजेट्स की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। देन आता है थर्ड केस हमारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किस वे में किया गया है। वैसे तो वर्ड इक्विटेबल यूज करना चाहिए, बट मैं वर्ड यहां पे इक्वल यूज कर रही हूं, तो ऑल दो दोनों का मीनिंग अलग है। इक्विटेबल का मीनिंग क्या होता है, इक्विटेबल होता है जहां पर
स्किल के अकॉर्डिंग ही उनकी सैलरी दी जाती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो. लाइक पीएन है तो उनको उनके अकॉर्डिंग की सैलरी दी जाएगी, और अगर वो डॉक्टर है तो उनके उनके अकॉर्डिंग की होती है. और जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चाहे पीएन है, चाहे सीईओ है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, उनको सेम सैलरी दी जा रही है. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हम, इक्विटेबल की बात कर रहे हैं. बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे वर्ड इक्वल यूज कर रही हूँ कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है. ठीक है, क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है. इक्वल का मतलब यहां पर मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी क्या है. इक्वल का मीनिंग यहां पे वैसे हम ले रहे हैं कि पुअर आर ऑल्सो गेटिंग द मनी एंड रिच आर ऑल्सो गेटिंग द मनी. इफ पुअर आर गेटिंग द मनी दे विल फुलफिल देयर अनमेट नीड्स. वो अपनी अनमेट नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे. लाइक उनके घर में फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है तो उनको खरीदेंगे, सॉरी फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है तो उसको खरीदेंगे वो. दैट मीन्स इस केस में नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी. इट विल राइज, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. और अनइक्वल के केस में क्या होगा, पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, रिच आर गेटिंग मोर रिचर, उनके बीच का गैप और बढ़ता जा रहा है, बट थोड़े से ज्यादा होता जा रहा है. तो इस केस में जब रिच के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे. ठीक है, लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी इस केस में. दैट्स इट, खत्म हो गया. बच्चों ये हमारे डिटर्मिनेंट्स कवर हो चुके हैं, हमारे दो वीडियोस में ये कवर हुए हैं. इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए. थैंक यू.